El marca el video, no, seguro. The control system. आइए बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पहले हो चुका है, जस्ट वो न्यूमेरिकल करने के पर्पज से आए, क्यों मैं डिसाइड करूंगा मुझे कैसे पढ़ाना है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कंट्रोल में कुछ नहीं पता, पहले ये बताओ कितने ऐसे हैं पहली बार पढ़ रहे हैं जो कंट्रोल के, मतलब सी का दर्शन पहली बार कर रहे हैं। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं जस्ट न्यूमेरिकल पर्पज करने से आए, बता दो आप, सर्वमत कोई भी नहीं है कोई। और कितना स्टूडेंट है जो पहले और जिसका कोई सब्जेक्ट रह गया था ये कंट्रोल, मतलब सारा कुछ करना है, मतलब ये मतलब आपको स्टार्टिंग करनी है और सारा कुछ क्या करना है आपको कवर अप करना है। आप क्रैश कोर्स टाइप बैच होगा ना, क्रैश कोर्स देखो ध्यान देना एक बार, हैं मिक्स में मतलब अच्छा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, चलो ठीक है देखो ध्यान देना एक बार आप। देखो पहली बात आपको गेट की गेट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा टाइम अपन वैसे भी आपको पता है टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेंगे, सारी प्रॉब्लम मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, आपको दिक्कत नहीं है, बस समझने में फोकस करना, थोड़ा अपनी समझने में कैसे समझा रहा हूँ। अगर स्पीड आपको फास्ट लगे तो बता देना सर स्पीड फास्ट है, और स्पीड स्लो लगे तब भी बता देना स्पीड स्लो है। पहले दिन मेरी जनरली स्पीड बहुत स्लो रहती है, जिससे क्या है आप समझ पाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो फिर पढ़ाने कोई मतलब आपका नहीं है। तो पहले मैं आपको आज जिससे एक बार आपकी और मेरी फ्रिक्वेंसी सेट हो जाए, और एक बार फ्रिक्वेंसी सेट हुई फिर आगे अपन स्पीड क्या कर लेंगे अपन मेंटेन कर लेंगे। मैं पूरा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे क्या है जैसे दो मेथड है, दो मेथड में से एक मेथड बढ़िया है एक मेथड बेकार है, तो बेकार वाले मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास टाइम की भी क्या आ गया आपको फरवरी भी आ रही है आपको पता है। हाँ जो बढ़िया मेथड है दोनों में से बढ़िया मेथड है उस मेथड को मैं पूरा क्या करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे सारे क्वेश्चन क्या हो जाए सॉल्व। तो गेट ही सारी प्रॉब्लम मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा, उसके अलावा कुछ आपको क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा तो उनको ट्राई करना कैसे क्या है क्या नहीं है। देखो तो पहला देखो अपन जब भी ट्रांसफर फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, देखो पहले अपन जो ट्रांसफर फंक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रांसफर फंक्शन से ही ध्यान देना। देखो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम होता है, दूसरा क्या होता है भाई आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक होती है और दूसरा क्या होता है आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब देखो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको अगर कोई एक ट्रांसफर फंक्शन एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है या फिर एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दे रखा है उससे ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है, तो बढ़िया जो मेथड है वो कौन सा मेथड है भाई आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो इसका मतलब है आज तक जितने भी क्वेश्चन आए या आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे में चाहे ब्लॉक डायग्राम के बने चाहे सिग्नल फ्लो ग्राफ बने उसमें लगाइए मेसन गेन फॉर्मूला और आसानी से एक सिग्नल फ्लो ग्राफ से या फिर ब्लॉक डायग्राम से क्या फाइंड आउट हो जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। तो मैं पहला चैप्टर इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा ज्यादातर जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा न्यूमेरिकल पर, क्योंकि गेट में जो आता है वो क्या आता है भाई आपका न्यूमेरिकल। मैं गेट से भी कोई बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम आपको डिस्कस करूंगा आपको, पर स्टार्टिंग जो होगी बहुत ग्राउंड लेवल से होगी, जीरो लेवल की से ग्राउंडिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ते जाएंगे। तो चैप्टर वन लिखिए आप सिग्नल फ्लो ग्राफ, और एक क्वेश्चन यहां से पक्का आता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, वो सिग्नल फ्लो ग्राफ, सिग्नल फ्लो ग्राफ में पहला टॉपिक है आपका मेसन्स गेन फॉर्मूला, मेसन्स गेन फॉर्मूला, मेसन्स गेन फॉर्मूला, मेसन्स गेन फॉर्मूला, मेसन्स गेन फॉर्मूला। इसके अंदर लगो मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज टू, मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज टू, मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन, कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द सिग्नल फ्लो ग्राफ, फ्रॉम द सिग्नल फ्लो ग्राफ, फ्रॉम द सिग्नल फ्लो ग्राफ। कि एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है उससे आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे मेसन्स गेन फॉर्मूले का। तो ध्यान देना जैसे अपन इसमें जो आप मेसन्स गेन फॉर्मूले में आपका मेसन्स गेन, देखो भाई सबको लिखना जरूरी है, मेरी थोड़ी आदत थोड़ा बेकार है, मैं बीच बीच में सबकी कॉपी चेक करता रहता हूँ,
मैं भी थोड़ा ये सबकी कॉपी चेक करूंगा लास्ट से लेकर वहां तक, जैसे मुझे टाइम मिलेगा आप लिख रहे हो तो सबकी कॉपी मैं चेक करूंगा, क्योंकि मेरा एक थिंकिंग है अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए मेरे साथ में, तो दोनों का काम चलेगा, एक मेहनत कर रहा है एक मेहनत नहीं कर रहा तो उससे मतलब नहीं है। तो बीच बीच में मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा और मुझे लिखा हुआ मिलना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट बात ही है। और अगर आपको इसी की समझ में 0.01% भी डाउट है तो आप तुरंत डाउट पूछ लेना, और जब मैं आपके पास आऊंगा तब भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, अगर सबके सामने नहीं पूछ पा रहे हो सर ये मुझे डाउट आ रहा है, जैसे मैं आपके पास आया कि आपको डाउट, अरे सर मुझे यहाँ डाउट आ रहा है, तो आपके पास आ रहा हूँ तो तभी भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, बात ही है। देखो मेसन गेन फॉर्मूला क्या होता है कि ये ट्रांसफर फंक्शन है जो आपका आउटपुट बाय आपका इनपुट है, और ये क्या हो गया आपका k इक्वल टू आपका 1 से लेके n आपका पी के डेल के डिवाइड बाई आपका डेल। तो यहां पर हमें ये देखना है ये आपका n क्या है, n जो दिखाई दे रहा है n जो है वो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है, n जो है आपका नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ के संख्या में कितने फॉरवर्ड पाथ है। अगर हम इसकी बात करें और पी के जो है वो kth फॉरवर्ड पाथ है, पी के जो है आपका दिस इज द kth फॉरवर्ड पाथ, पी के जो है दिस इज द kth फॉरवर्ड पाथ है, आपका kth फॉरवर्ड पाथ। अगर हम बात करें समझाने के लिए, जैसे ये मान लिया मेरा ट्रांसमीटर है, ये मान लिया मेरा ट्रांसमीटर है और ये मान लिया मेरा रिसीवर है। ट्रांसमीटर को मैं सेंडर बोल सकता हूँ, इसको सोर्स बोल सकता हूँ और इसको एक डिस्टिनेशन पॉइंट बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ये जैसे मैंने एक मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसे गया, मान लिया 1 मीटर की डिस्टेंस मैंने क्या की ट्रेवलिंग लेट किया, और दूसरा मैं ऐसे गया और मान लिया मैंने यहाँ से 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवलिंग की, और तीसरा मैं ऐसे गया और मान लिया यहाँ से 100 मीटर गया, और मैं फोर्थ हूँ आपका ऐसे गया और ऐसे मान लिया आपका 1000 मीटर की मैंने डिस्टेंस क्या की ट्रेवलिंग। तो यहाँ नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 4 है, एक फॉरवर्ड पाथ ये है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ ये है, तीसरा फॉरवर्ड पाथ ये है, चौथा फॉरवर्ड पाथ ये है, तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने आपका 4 है। ये जो 1 मीटर जो दिखाई दे रहा है इस पहले फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू है, जो 10 मीटर जो दिखाई दे रहा है वो दूसरे फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू है, और जो 100 मीटर जो दिखाई दे रहा है वो तीसरे फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू है, और 1000 मीटर जो दिखाई दे रहा है वो चौथे फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू है। इसका मतलब है इसको अगर मैं इसमें लिखना चाहूं एन नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, ये नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ जो है इसके 4 है, और ये पी के उसकी फॉरवर्ड पाथ की क्या है आपका वैल्यू है, जो भी वैल्यू आ रही है 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर। मान लिया ध्यान देना एक बार सब बात बनाना, मान लिया एन नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है, ये नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, मान लिया नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 1 है, तो अगर ये आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया आपका आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो हो गया, और ये हो गया k इक्वल टू 1 to n आपका पी के डेल के डिवाइड बाय डेल। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 1 है तो ये 1 हो गया, अगर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 2 होता तो ये फॉर्मूला जो होता आपका k इक्वल टू 1 से लेके 2 आपका तो हो गया पी के डेल के डिवाइड बाई डेल। तो पहला जो फॉर्मूला होगा वो पी वन डेल वन डिवाइड बाई डेल, दूसरा फॉर्मूला होगा पी वन डेल वन डिवाइड बाई डेल प्लस पी टू डेल टू डिवाइड बाई डेल, तो ये हो गया आपका पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू डिवाइड बाई क्या हो गया डेल। अगर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 3 होता तो ये फॉर्मूला कहां तक जाता, ये आता के इक्वल टू 1 से लेके 3 तक आपका पी के डेल के डिवाइड बाई डेल, तो हो गया पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू प्लस पी थ्री डेल थ्री डिवाइड बाई डेल। अब यहां बता देना अगर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 1 था, अगर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 1 था तो डेल 1 तक गया, और नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 2 हुआ तो डेल 2 तक गया, और नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 3 हुआ तो डेल 3 तक गया। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ के चेंज करने से, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ के चेंज करने से कौन चेंज कर जाएगा भाई, डेल के चेंज कर जाएगा। जैसे ही अगर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 1 था तो डेल 1 तक गया, नंबर ऑफ पार्ट 2 था तो डेल 2 तक गया, और नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 3 था तो कहां तक गया डेल 3। इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ चेंज कर रहा है तो डेल के क्या कर जाएगा आपका चेंज कर जाएगा। इतना समझ में आया सबके। फिर देखो डेल जब नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 1 था तब भी डेल से डिवाइड, जब नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 2 था तब भी कितने से डिवाइड डेल से, और जब नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 3 था तब भी कितने से डिवाइड डेल से। इसका मतलब है इस डेल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ चेंज कर रहा है तो डेल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर डेल के क्या कर रहा है आपका चेंज कर रहा है। इसका मतलब है ये डेल के जो है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ के साथ कंडीशन है, अगर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ चेंज करेगा तो ये डेल के क्या कर जाएगा चेंज। बट डेल जो है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ के साथ कोई कंडीशन नहीं है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ चेंज कर भी जाए
फिर भी डेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं डेल का फॉर्मूला लिख रहा हूं। डेल के फॉर्मूले में आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पार्ट साथ कंडीशन दिखाई देगा, तो मैं डेल यहां लिखा, मैंने डेल वन माइनस आपका सम ऑफ ऑल लूप, सम ऑफ ऑल लूप विच इज नॉट टच, विच इज नॉट टच, विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ, पी के फॉर पाथ आपको उन सारे लूप का सम करना है जो पी के फॉर पाथ को टच नहीं करते हैं। किसको टच नहीं करते हैं? पी के फॉरवर्ड पाथ प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, टू नॉन टचिंग लूप, टू नॉन टचिंग लूप विच इज नॉट टच, विच इज नॉट टच पी के फॉरवर्ड पाथ, विच इज नॉट टच पी के फॉरवर्ड पाथ। और आगे अगर जरूरत पड़ी तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप यूज करूंगा और विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ जरूरत पड़ी तो। तो डीएल के जो है नंबर ऑफ फॉर पाथ के साथ कंडीशन है, इसलिए उसके फॉर्मूले में नंबर ऑफ फॉर पाथ के साथ आपको कंडीशन दिखाई दे रहा है, जबकि डीएल, डीएल जो है आपका वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप, सम ऑफ ऑल लूप प्लस सम ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, टू नॉन टचिंग लूप, फिर क्या है माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, और फिर आपका माइनस प्लस। अब देख ध्यान देना डेल को, डेल में थोड़ा देखते हैं क्या सिमिलरिटी दिखाई देती है क्या डिसिमिलरिटी। देखो देखो दोनों के फॉर्मूले तो वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप यहां पर है, वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप यहां पर है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन है विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ, यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप है, यहां पर भी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन है विच इज नॉट टच आपका पी के फॉर पाथ। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप इसमें भी है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप इसमें भी होगा, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगी विच इज नॉट टच आपका पी के फॉर पाथ। इसका मतलब ये है पहले दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं क्या है, माइनस, माइनस के बाद प्लस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपका माइनस, और फिर माइनस के बाद प्लस, इसका मतलब है एक के बाद एक साइन क्या कर रहा है आपका चेंज कर रहा है। यहां पर देखो माइनस, माइनस के बाद प्लस और फिर माइनस, चाहे डेल के हो चाहे डेल हो दोनों में एक छोड़कर एक साइन क्या कर रहा है आपका चेंज कर रहा है। फिर दूसरी बात यहां पर ये तो आपके सिमिलरिटी होगी, डिसिमिलरिटी क्या है, वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप यहां पर भी है, वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप यहां पर भी है, बस डेल के में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप यहां पर भी है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग यहां पर भी है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन है विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप यहां पर भी होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप यहां पर भी होगा, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगा विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ। इसका मतलब है डेल के और डेल दोनों के फॉर्मूले में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, बस अंतर ये है डेल में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ, जो कि किसमें नहीं मिल रही, आप डेल के में एक, डेल के में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ, जो कि किसमें नहीं है आपका डेल में नहीं है। चलो बनाओ तुम, तो डेल के और डेल में ज्यादा अंतर नहीं है, डेल के में बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन है विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ। टेस्ट मतलब प्रॉब्लम बहुत कराऊंगा, प्रॉब्लम बहुत, आपको घर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर क्लास अटेंड कर रहे हो, ये मेरी गारंटी है आपसे, अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो कंट्रोल यहीं पर आपको ऐसे याद हो जाएगा, अगर ध्यान दोगे तो, बोलो कितने भी एवरेज स्टूडेंट हो आप, क्लास अटेंड करना जरूरी है रेगुलरली, पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरी एक क्लास दूसरे से रिलेट होगी, बता रहा हूँ पहले। ये तो लिखने, ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत, ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइड वाला, ये तो आपको लिखने की जरूरत, ये तो समझाने के लिए था ये, इतना फॉर्मूला लिखना।
तो डेल के और डेल में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। डेल के में एक बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन है विच इज नॉट टच PK 45, जो किसमें नहीं है आपके डेल में नहीं है। दोनों में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है, एक के बाद एक साइन क्या कर रहा है आपका, चेंज कर रहा है, बस एक अंतर है विच इज नॉट टच PK 45 का, नहीं तो दोनों के फॉर्मूले सेम है। और इसकी वजह से बार बार डेल के और डेल का फॉर्मूला आपको वैल्यू में देखना अंतर दिखाई देगा, एक सिंगल इसकी वजह से। अगर ये नहीं होता अलग तो दोनों की वैल्यू क्या दिखाई देती है आपको, एक समान दिखाई देती। बना सबको इतना, देखो अभी एक प्रॉब्लम करा रहा हूं, बन गया सबको इतना। देखो अभी एक प्रॉब्लम करा रहा हूं आपको, वो सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अगर वो आपकी सिग्नल फ्लोग्राफ की अगर वो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई तो आगे सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे। पर मैं बता रहा हूं गेट में मैक्सिमम वो टू नॉन टचिंग तक बात करता है। आज तक गेट हो चाहे ईएसओ कुछ भी हो, जब से गेट स्टार्ट हुआ है वो टू नॉन टचिंग की बात करता है। पर मैं इस क्वेश्चन में 3 नॉन टचिंग और किसकी बात करूंगा, 4 नॉन टचिंग की। अगर 4 नॉन टचिंग का आपको मैंने समझा दिया तो 2 नॉन टचिंग का तो आप खुद ही क्या कर लोगे, आपसे हो ही जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, जितना आपको फोकस करना है इस प्रॉब्लम पर आप फोकस कर लीजिए। अगर इस प्रॉब्लम पर आपने फोकस की तो आगे की सारी प्रॉब्लम क्या बनने वाली है, काफी इजी आपको बनने वाली। देखो फाइंड ट्रांसफर फंक्शन, अरे एक सेकंड रुको, आपको ये पता है लूप की डेफिनेशन क्या होती है, अभी रुको। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ की डेफिनेशन क्या होती है, इनपुट से आउटपुट है, ये कुछ क्या है इसमें, कुछ एक यही डेफिनेशन है या कुछ अलग है, इसमें कुछ मतलब एडिशन करना है या कुछ कम करना है, फॉरवर्ड पाथ इज द पाथ विच कनेक्ट इनपुट विद आउटपुट and it will never be in loop form। फॉरवर्ड पाथ वह पाथ होता है जो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट करना चाहिए, वह कभी भी किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए आपका, लूप फॉर्म में। कैसे मैं कह रहा हूं ध्यान देना, मेन तो न्यूमेरिकल में समझ में आएगा, फिर भी आप ध्यान दो। जैसे मान लिया x मेरा इनपुट है और y मेरा आउटपुट है, मान लिया, ध्यान दो, मेन तो न्यूमेरिकल में समझ में आएगा। मान लिया ये 10 है और दूसरा आपका ये आपका -1 है। अब फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, इनपुट से आउटपुट, जैसे आप ऐसे चलना स्टार्ट किए, आपको 10 दिखाई दिया, फिर आपको 1 दिखाई दिया, तो इनपुट से आउटपुट गए हो, तो एक फॉरवर्ड पाथ जो पहला फॉरवर्ड पाथ है वो 10 × 1 कितना हो गया भाई आपका, 10 हो चुका है। अगर कोई दूसरा कहे सर ये फॉरवर्ड पाथ हो सकता है क्या, ये फॉरवर्ड पाथ कभी नहीं हो सकता, क्यों, इनपुट से आउटपुट गया पर ये किस फॉर्म में हो गया भाई आपका, लूप फॉर्म में, और फॉरवर्ड पाथ कभी भी किस फॉर्म में नहीं होगा आपका, लूप फॉर्म में नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन में ये पहला इनपुट से आउटपुट गया, ये लूप फॉर्म में नहीं था, इसलिए पहला फॉरवर्ड पाथ बन गया 10 × 1 10। दूसरा इसलिए नहीं बना, ये इनपुट से आउटपुट तो गया था पर ये किस फॉर्म में हो गया, लूप फॉर्म में, और फॉरवर्ड पाथ कभी भी किस फॉर्म में नहीं होता है, लूप फॉर्म में नहीं होता। तो फॉरवर्ड पाथ वह पाथ होता है जो इनपुट से आउटपुट जाना चाहिए और वह कभी भी किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए आपका, लूप फॉर्म में। फिर डेफिनेशन ऑफ लूप क्या होती है, क्या होता है बताओ, क्लोज पाथ, और कुछ नया कि यही क्लोज पाथ, ये बोल रहे हैं क्लोज पाथ, और कुछ नया किसी को, ये 100% डेफिनेशन सही नहीं है क्लोज पाथ, यही बात इन्होंने बोली क्लोज पाथ, आपने उसको मॉडिफाई में कर दिया बस। लो लूप, इन केस ऑफ लूप इट्स ओरिजिनेशन नोड ब्रैकेट में स्टार्टिंग नोड
इट्स ओरिजिनेशन नोड ब्रैकेट में स्टार्टिंग नोड, ब्रैकेट में स्टार्टिंग नोड, नोड एनओडी पढ़ा होगा ना नेटवर्क में, एनओडी इट्स ओरिजिनेशन नोड स्टार्टिंग नोड, इट्स सेल विल बी टर्मिनेशन नोड, इट्स सेल विल बी टर्मिनेशन नोड ब्रैकेट में एंडिंग नोड, इट्स सेल विल बी टर्मिनेशन नोड ब्रैकेट में एंडिंग नोड and it will not travel more than one node twice, it will not travel more than one node twice, it will not travel more than one node twice. मैं कहने क्या चाह रहा हूँ अभी समझाता हूँ, आपका लूप वह होता है जहां से स्टार्ट किया है दोबारा वहीं पे आना चाहिए और एक नोड को एक से बार ज्यादा बार टच नहीं करना चाहिए। जैसे वैसे तो न्यूमेरिकल में समझ में आएगा, फिर भी मैं दो तीन ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक ये बनाया वैसे तो न्यूमेरिकल समझ में आया फिर भी ध्यान देते, दूसरा मैंने ये बनाया, तीसरा मैंने ये बनाया फोर्थ आपका ये, देखो पहला लूप देखा जहां से स्टार्ट किया दोबारा वहीं पर आना चाहिए, एक यहां से मैंने ये देखा, बिना डायरेक्शन के ना तो कभी लूप बनेगा ना क्या बनेगा फोर्थ पाथ, ये माइंड में सेट कर लो। अपनी मन से डायरेक्शन नहीं लेना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है डायरेक्शन क्या गिवन है। अगर आपने मन से डायरेक्शन लिया आपने तो मैं बता रहा हूं तो वो लूप और फोर्थ पाथ में काउंट नहीं है, बिना डायरेक्शन से ना तो कभी लूप बनता ना ही फोर्थ पाथ। तो पहला देखा मैंने यहां से स्टार्ट किया दोबारा यहीं पे आ गया तो ये पहला लूप हो गया आपका L1। तो पहला लूप क्या हो गया, यहां से स्टार्ट किया दोबारा वहीं पर तो ये लूप हो गया आपका L1, पहला लूप ये। दूसरा लूप मैंने देखा यहां से स्टार्ट किया और दोबारा यहीं पे आ गया तो ये लूप हो गया आपका सेकंड लूप हो गया L2। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया दोबारा यहीं पर आ गया सेकंड लूप L2। तो इसमें दो लूप है, तीसरा लूप नहीं बन सकता जो मैं तीसरा बनाने जा रहा हूं इस मार्कर से ब्लू मार्कर से। कहीं सोच रहे हो बड़े वाला लूप हो जाए क्या, तो बड़े वाला लूप कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है एक बार जाते समय इस नोड को टच किया है और दूसरी बार आते समय इस नोड को टच किया है, तो इस नोड को दो बार टच कर गया इसलिए क्या नहीं हो सकता भाई आपका लूप नहीं हो सकता। तो बड़े वाला लूप इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक बार जाते समय इस नोड को टच किया है और दूसरी बार आते समय इस नोड को टच किया है, इस नोड को दो बार टच कर गया इसलिए क्या नहीं होगा ये आपका लूप नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में तीन लूप नहीं होगा, कितने लूप होंगे भाई आपका दो लूप। सेकंड ध्यान दो, एक लूप ये हो गया, एक पहला लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया। कहीं सोच रहे हो सर बड़े वाला लूप बन जाएगा, बड़े वाला लूप कभी नहीं बन सकता। एक बार आप जाते समय इस नोड को टच की हो, एक बार आप जाते समय इस नोड को टच की हो और दूसरी बार आप आते समय इस नोड, तो एक बार जाते समय दूसरी बार आते समय तो इस नोड को दो बार टच कर गए इसलिए क्या नहीं होगा भाई आपका लूप नहीं होगा। तीसरा देखो, एक लूप आपका ये हो गया L1, दूसरा लूप ये हो गया आपका L2, तीसरा लूप हो गया L3। सोचो सर बड़े वाले को लूप बना दें, तो देखते हैं एक बार आप जाते समय इस नोड को टच किए, एक बार जाते समय इस नोड टच किए और दूसरी बार आप आते समय इस नोड टच किए, तो इस नोड को एक बार जाते समय दूसरी बार आते समय एक बार जाते समय दूसरी बार तो दो दो बार टच कर गए इसलिए कि बड़े वाला क्या नहीं होगा आपका लूप नहीं होगा। इसलिए यहां पर नंबर ऑफ लूप 2, यहां पर भी नंबर ऑफ लूप 2, पर यहां नंबर ऑफ लूप कितना है 3-4 नहीं है। चौथा देखो, एक बार आपने यहां से जाना स्टार्ट किया दोबारा यहीं पर आ गए, दूसरी बार आपने यहां से जाने स्टार्ट किया दोबारा यहीं आ गए, तीसरी बार आपने यहां से जाने से दोबारा यहीं है और चौथा भी जब तक लूप बनाना है तब तक सारा रीजन क्या नहीं हो जाए कवर नहीं हो जाए। अब मैं चौथा देखो मैं कैसे जा रहा हूं, मैं ऐसे डायरेक्शन ये है गिवन है डायरेक्शन ये, चौथा लूप ऐसे मैं ऐसे गया और कभी लौट के वापस नहीं आया, मैं ऐसे गया और यहां से स्टार्ट किया दोबारा वहीं पर, तो ये ग्रीन वाला भी अब भी लूप बन गया। क्यों लूप बन गया, तो क्योंकि किसी भी नोड को ऐसे गया पर दोबारा लौट के नहीं आया, ऐसे गया लौट के, तो ये यहां से स्टार्ट किया दोबारा यहीं पर आ गए, ये वाला लूप जो होगा वो कौन सा होगा आपका चौथा लूप। तो पहले वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि एक बार जाते समय दूसरी बार आते समय एक नोड को दो बार टच कर गया, जब इस वाले ग्रीन में ऐसा कभी टच नहीं आया। तो यहां नंबर ऑफ लूप पूछा जाए तो नंबर ऑफ लूप पहले वाले में नंबर ऑफ लूप 2 है,
दूसरे बहाने में नंबर ऑफ लूप टू है, नंबर ऑफ लूप जो है वो आपका टू है। तीसरे बारे में नंबर ऑफ लूप थ्री है, नंबर ऑफ लूप थ्री है भाई। चौथे वाले में नंबर ऑफ लूप जो है वो कितने भाई, कितने हैं चौथे वाले में बताओ, फोर। नंबर ऑफ लूप कितना लूप, तो लूप वह होता है यहाँ से स्टार्ट किया दोबारा वहीं पर आना चाहिए, और किसी नोड को दो बार क्या नहीं करना चाहिए भाई, आपका टच नहीं करना चाहिए। दोनों के लिए ये आपको सारी चीज क्वेश्चन में दिखाई देंगी, ये तो मैं अभी अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, फिर एक सिग्नल फ्लो ग्राम में सारा कुछ दिखाई देगा आपको, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए लूप क्या होता है, फोर्ड पाथ क्या होता है। अगर थोड़ा डाउट हुआ तो बिट डाउट में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्ड पाथ होता है इनपुट से आउटपुट, वह कभी भी किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, लूप फॉर्म में। और लूप क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया दोबारा वहीं पर आना चाहिए, और किसी भी नोड को एक से ज्यादा बार टच नहीं करना चाहिए। डायरेक्शन जरूर बनाना, बिना डायरेक्शन के ना तो लूप बनता है ना फॉर्ड पाथ। अगर ये पेपर वाला डायरेक्शन नहीं दे तो सब अपने आप में राजा हो, कोई ऐसे मानेगा कोई ऐसे मानेगा, और ऐसे मानेगा चार ऑप्शन में से अलग सेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए वो डायरेक्शन देना जरूरी है, सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होती ना, कोई ऐसे मानेगा कोई ऐसे मानेगा, सबकी चॉइस अलग होती है ना, और बहुत से ऐसे हैं दोनों टाइप मानेंगे उसको, ऐसे भी तो है, चॉइस अलग अलग है ना सबकी, एक समान चॉइस कैसे हो जाएगी सबकी। बन गया सबका, बना। अब लोगों फाइंड ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट बाय इनपुट YS अपॉन XS, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट बाय इनपुट YS अपॉन XS ऑफ द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ, ऑफ द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ। आपको जितना फोकस करना है आप इस क्वेश्चन में फोकस कर लीजिए, इसके बाद तो मैं गेट की प्रॉब्लम कराऊंगा, वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, पर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, इससे बढ़िया प्रॉब्लम नहीं है जो मैं अभी करा रहा हूँ, तो बना रहा हूँ, देखने में बहुत इजी सा लगेगा ये डायग्राम। एक मतलब एक वैल्यू नहीं देते इसको, ऐसे मान लेते हैं ये L1 है, ऐसे लिख लो स्टैंडर्ड में, L2 और ये आपका L3 और ये आपका L4, ऐसे लिख लो स्टैंडर्ड में, वैल्यू से थोड़ा डिटेल में बहुत ज्यादा चला जाएगा कैलकुलेशन। तो देखने में डायग्राम इजी लग रहा है, पर इसको जो बनाने का नंबर आएगा तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, और सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है, इससे बढ़िया प्रॉब्लम सिग्नल फ्लो ग्राफ की है ही नहीं। इसके बाद देखना बहुत इजी इजी प्रॉब्लम लगेंगी, गेट की प्रॉब्लम बहुत इजी लगेंगी आपको, पहले इस पर फोकस करना आप, बना। देखने में बहुत इजी लग रहा है, जब इसको बनाने का नंबर आएगा तो वही डिफिकल्ट बन जाता है, और कई बार आपने देखा होगा जब दूसरा बनाता है तो प्रॉब्लम इजी लगती है, और जब खुद की बनाने का नंबर आता है तो वही प्रॉब्लम क्या हो जाती है, डिफिकल्ट। ये बहुत बार होता है, और वो दूसरा बना रहा है अरे सर ये तो बहुत ईजी है, और खुद का नंबर आएगा अरे सर ये तो डिफिकल्ट हो गई, ऐसे ही होता है। तो बोले ध्यान समझना बात,
तो ये ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो, और ये जो होगा वो वाई एस अपॉन आपका एक्सेस होगा, और ये हो चुका है आपका के इक्वल टू बनते लो एन आपका पी के डेल के डिवाइड बाई डेल। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, अगर क्लास आप डेली अटेंड कर रहे हो तो कंट्रोल अगर 13 या 14 का आ रहा है तो सारा बनेगा आपसे। क्लास डेली अटेंड करना जरूरी है और इफेक्टिव भी रहो क्लास में, घर पे चाहे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ, आपको सारा अटेम्प्ट करवा दूंगा। बोलो घर पे पढ़ो मत पढ़ो, यहाँ ध्यान दो और डेली क्लास अटेंड करो, ये मैं कंट्रोल गारंटी ले रहा हूँ, लिखवा लो वालों के लिए। अगर आपने एक भी दिन की क्लास छूटी तो आगे आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, ये बहुत काफी, क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या है न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों मर्ज हैं, और जब दोनों यहाँ मर्ज होते हैं ना तो वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए क्लास डेली अटेंड करना, और मैं कैसा करा रहा हूँ ये देखना, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम क्लास में कराऊंगा, उसके बाद आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रॉब्लम हो, चाहे गेट की हो, चाहे ईएस, चाहे इसरो डीआरडीओ बार किसी की भी लगाओ, आपसे ऑटोमेटिकली लगेंगी सारी प्रॉब्लम। कॉन्सेंट मैं समझा रहा हूँ, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, उसके बाद आपसे कह दूंगा कोई गेट की भी करा दूंगा, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो जो भी कंट्रोल सिस्टम से लगाओ, किसी की टेस्ट सीरीज हो क्या हो सब कुछ लगाओ, सब एक साथ लगेगा, आपको डाउट नहीं आएगा। देखो तो k इक्वल टू 1 टू n पी के डेल के डिवाइड बाई डेल, तो सबसे पहले हमने देखना है ये फोर्ड पाथ क्या है, फिर डेल के की वैल्यू देखनी है डेल, अगर ये तीन वैल्यू पता चली तो इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। तो पहले फोर्ड पाथ से देख लेते हैं, फोर्ड पाथ, तो फोर्ड पाथ क्या होता है, फोर्ड पाथ ये होता है वो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट करना चाहिए, वह कभी भी किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए भाई आपका, लूप फॉर्म में। ये इनपुट है ये आउटपुट है, आप जा रहे हो, अपन ऐसे गए कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं, अपन ऐसे गए तो ये फोर्ड पाथ हो गया वन इंटू पी के, तो फोर्ड पाथ क्या हो गया भाई आपका पीके, पीके उसकी वैल्यू होगी मान लिया 1000 है पीके, तो वैल्यू आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है 1000। किसी को लग रहा है कि ये फोर्ड पाथ हो सकता है, ये कभी फोर्ड पाथ नहीं होगा क्योंकि ये इनपुट से आउटपुट तो गया है पर ये किस फॉर्म में हो गया भाई आपका लूप फॉर्म में, और फोर्ड पाथ कभी भी किस फॉर्म में नहीं होता है भाई आपका लूप फॉर्म में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फोर्ड पाथ है, तो एन की जो वैल्यू आपका एन की जो वैल्यू है नंबर ऑफ फोर्ड पाथ, एन की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ फोर्ड पाथ, एन की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये हो गया आपका k इक्वल टू 1 से लेके n आपका पी के डेल के डिवाइड बाई डेल, तो हो गया पी 1 डेल 1 डिवाइड बाई डेल। तो ये पी 1 की वैल्यू पता चल गई है, जो पी 1 की जो वैल्यू किसके बराबर है पीके के बराबर, जो उसकी वैल्यू 1000। अब मुझे चाहे डेल के बोलो चाहे डेल 1 बोलो, क्योंकि दोनों चीज एक ही फोर्ड पाथ है, तो मुझे अभी डेल के चाहिए या डेल 1 बोल दो, और डेल चाहिए तो फिर मैं डेल के कैलकुल कर रहा हूं, हियर डेल के, हियर डेल के, और डेल के क्या होगा 1 माइनस आपका सम ऑफ ऑल लूप, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप विच इज नॉट टच, विच इज नॉट टच, विच इज नॉट टच पी के फोर्ड पाथ, आपको उन सारे लूप का सम करना है जो पी के फोर्ड पाथ को टच नहीं करते हैं, प्लस फिर दो लूप ऐसे देखने जो नहीं टच करें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, टू नॉन टचिंग लूप, नॉन टचिंग लूप विच इज नॉट टच, विच इज नॉट टच पी के फॉरवर्ड पाथ, फिर तीन लूप आपस में देखने जो आपस में भी टच नहीं करें और पी के फॉरवर्ड पाथ को, फिर देख लेंगे थ्री सम, आगे लिखते जाएंगे अगर जरूरत पड़ी, बस स्पेस नहीं है, जरूरत पड़ी तो वो भी काम करते जाएंगे, जरूरत पड़ी नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल के, तो ये हो गया पहले एक लूप ऐसे देखने जो पी के फॉरवर्ड पाथ को क्या नहीं करें टच, फिर दो लूप ऐसे देखने हैं जो आपस में भी टच नहीं करें और किसको टच नहीं करें पी के फोर्ड पाथ को, फिर तीन लूप ऐसे देखने हैं जो आपस में भी टच नहीं करें और किसको टच नहीं करें पी के पाथ। तो सिंगल में आपस में टच होने की बात की क्यों नहीं की, एक सिंगल मार करे किसको क्या टच करेगा अकेला है, हाँ दो मार करें तो आपस में टच होने की पॉसिबिलिटी है। तो पहले सिंगल लूप ऐसे देखना है जो पी के फोर्ड पाथ को टच नहीं करें, फिर दो लूप, जब भी दो लूप आएंगे तो टचिंग की बात हो जाएगी, दो लूप ऐसे देखने हैं जो आपस में भी टच नहीं करें और किसको टच नहीं करें पी के फोर्ड पाथ, फिर तीन लूप ऐसे देखने हैं जो आपस में भी टच नहीं करें और पी के फोर्ड पाथ क्या नहीं करें आपका टच नहीं करें। तो यहां पे देखते हैं लूप, लूप क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया दोबारा वहीं पर आना चाहिए और एक नोड को एक बार टच करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तो लूप काफी ईजी है, इसमें तो बहुत ईजी है। तो पहला लूप आपका L1 हो गया, दूसरा लूप आपका L2 हो गया, तीसरा लूप L3 और चौथा लूप क्या हो गया भाई L4।
मुझे ये ऐसे लूप देखने जो पीके फोर्ड पाथ को टच नहीं करते हैं। पीके फोर्ड पाथ सर कौन सा है? ये पीके फोर्ड पाथ। क्या L1 इस पीके फोर्ड पाथ को टच कर रहा है? नहीं, तो पहला हो गया L1। क्या L2 इस पीके फोर्ड पाथ को टच कर रहा है? नहीं, ये हो गया L2। क्या L3 इस पीके फोर्ड पाथ टच कर रहा है? नहीं कर रहा L3। क्या L4 इस पीके फोर्ड पाथ को टच कर रहा है? हाँ टच कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। जो टच कर रहा है वो जीरो हो जाएगा, और जो टच नहीं कर रहा वो वैल्यू क्या करेगी? एग्जिस्ट। फिर देखो ये सिंगल की बात होगी। अब दो लूप ऐसे देखने हैं जो आपस में भी टच नहीं करें। और किसको टच नहीं करें? आपका पी के फोर्ड पाथ को। स्टार्टिंग वहां से करो जहां से आपको लग रही है, जहां से पहले L1 से स्टार्ट करूंगा, और जब तक L1 पर रहूंगा जब तक सारी पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हो जाए। देखो L1 L2 ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, तो पहला लिख लिया L1 L2 प्लस L1 L3, ये दोनों लूप आपस में भी टच नहीं कर रहे और पी के फोर्ड पाथ को टच नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट क्या होगा? L1 L3 प्लस L1 L4, ये दोनों लूप आपस में तो टच नहीं कर रहे पर L4 जो है पी के फोर्ड पाथ को टच कर गया है। आपको तो उन सारे लूप पर सम करना है जो टच नहीं करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? जीरो। L1 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, L1 हो गया दी एंड। L1 की ये पॉसिबिलिटी थी आपने लिख दी है। अब नंबर आएगा L2 का। देखो L2 L1 ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, पहले लिख चुका हूं L1 L2। L2 L3 ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे और पी के फोर्ड पाथ को भी टच नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट हो गया L2 L3। फिर देखो L2 L4 ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे पर L4 जो है पी के फोर्ड पाथ को टच कर गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? जीरो। L2 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, L2 हो गया दी एंड। नंबर L3 का, L3 L1 ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, तो पहले लिखिए L1 L3। L3 L2 ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, पी के फोर्ड पाथ टच नहीं कर रहे, तो LT L2 L3 लिख चुका हूं। L3 L4 ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे पर L4 जो है बार बार पी के फोर्ड पाथ टच कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? जीरो। L3 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, L3 क्या हो गया? दी एंड। और नंबर L4 का, L4 तो बार बार सबको टच कर रहा है, तो आगे ये सारे क्या हो जाएंगे भाई आपका? जीरो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? अब दो की बात आ गई, अब ऐसी किसकी बात करनी है? तीन की। ऐसी किसकी बात करनी है? चार की। गेट की बात करते हैं, तो गेट यही खत्म हो जाता है, गेट और ये नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ये इसको करने से आपको आइडिया लग जाएगा टू नॉन टचिंग कैसे हो रहा है, थ्री नॉन टचिंग कैसे हो रहा है। गेट की बात करें, गेट यही रुक जाता है। देखने ना कोई भी प्रॉब्लम, जब से गेट स्टार्ट हुआ है 87 से लेके अब तक यहीं रुक जाता है बार बार 80 तक, कोई भी देख लेना नहीं। पर मैं आगे इसलिए बात कर रहा हूं, अगर आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ की अपना अपनी जो कमांड है गेट से थ्री टाइम्स और चार टाइम्स ऊपर होगी, मतलब गेट का लेवल है तो अपना यहाँ लेवल होगा, उससे फायदा क्या होगा? आपको लेवल वो बच्चे जैसा लगेगा, और जब आपको बच्चे जैसा लेवल लगेगा तो आपको पेपर बनाने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। पहली क्लास में पढ़ते थे 2+2, तो कौन सही बताता था? कोई सही नहीं बताता होगा। अरे यार पहली क्लास में स्टार्ट हुई, पहली क्लास में पढ़ने गए तो घर वाले पूछते थे 2+2 कितने होते हैं, तो हंसते और थे हम पे, कितना बताएगा उसका आंसर ये है। तो कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता, अब कोई पूछे 2+2 नहीं, क्योंकि अपना लेवल उससे बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन। तो ये वाली आइडिया, जिसकी आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर चुके हो ना, तो वो लेवल डाउन लगता है आपसे, और जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो लेवल क्या बन जाता है? डिफिकल्ट। ये इंजीनियरिंग में, अगर इंजीनियरिंग में आपने प्रैक्टिस की होती तो आपको इंजीनियरिंग बच्चा लगती बात हो। 12th तक आप पढ़ते हो, उसके बाद आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। देखो आती है, हाँ ये जेन्युइन बात है। 12th तक अपने माइंड का यूज करते हैं, उसके बाद अपने माइंड की एनर्जी धीरे धीरे यूज करना बंद कर देते हैं। जो क्यों हो रहा कैसे हो रहा वो 12th तक सोचते हो, 12th के बाद कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं पढ़ते हो, बता दूँ आपको। फिर उसके बाद जो पढ़ा है वो भी चला जाता है साथ में, जो भी स्लोप निकालना आता है हमको, लाइन की इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, जो आता था वो भी चला जाता है इन चार साल में, बताऊँ आपको। तो मतलब कुछ सीखा कुछ नहीं, गवाया बहुत कुछ आती है। अब अगर आप 12th वाली मेहनत कर लो, IIT GE वाली, तो ये कंपटीशन कुछ नहीं है, 10 दिन का कंपटीशन, 10 दिन से ज़्यादा नहीं, 10 दिन कह दिया, मन ज़्यादा बोल दिए लोग पाए बिल्कुल। अगर आप वो वाली मेहनत जो 12वीं में करते हो और 10th में करते हो वो अगर यहाँ पर कर लो रेगुलरली, तो आपके कंपटीशन 10 दिन का खेल है, 10 दिन से ज़्यादा खेल नहीं है, बता दूँ। अब क्या होता है, 12वीं में अपन बच्चे थे, हमें चीज़ें पता नहीं थी सही ढंग से कैसे क्या करनी है, तो हमें पता नहीं थी, अपन यूज नहीं करते। अब हमें बहुत चीज़ पता है, कैसे सेलफोन कैसे यूज करना है, कैसे व्हाट्सअप चलाना है, कैसे फेसबुक चलानी है, और जब चीज़ें ज़्यादा पता होता है ना तो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज चली जाती है, आती है। पहले दो फ्रेंड थे, अब 1000 फ्रेंड हो गए, बात ये देखो आती है। अब देखो ये यहाँ पर, तो यही बिल्कुल फैक्ट बात है। अभी थोड़ा गेट का पेपर हो ना, थोड़ा फ्रेंडशिप को थोड़ा बोल दो भाई नाराज मत हो, कुछ दिन के लिए शांत हो जा, बस कुछ दिन के लिए, तेरा भी कैरियर बन जाएगा।
तेरा भी कैरियर बन जाएगा और मेरा भी कैरियर बन जाएगा, ना तो तू तो जाएगा ही और मैं भी तेरे साथ में जाऊंगा, नहीं तो फिर बात ही। तो बिल्कुल कैरियर की बात है, एक दो महीने के लिए बोल दो भाई तेरा भी कैरियर बन जाएगा, मेरा भी कैरियर बन जाएगा, तू भी अच्छी जगह चला जाएगा, मैं भी अच्छी जगह चला जाऊंगा, नहीं तू तो गड्ढे में जाएगा ही और मैं और जाऊंगा तेरे साथ गड्ढे में, बात ही बिल्कुल फैक्ट बात है। देखो तो ऐसा है, दो टू नॉन टचिंग की बात हो गई, ऐसे थ्री नॉन टचिंग। तो बोलो कुछ दिन के लिए ये चीजें बंद कर दो, आपके व्हाट्सअप फिलहाल, व्हाट्सअप फेसबुक थोड़ा सेल फोन कुछ टाइम के लिए प्लीज, उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने वो यूज किया, अब तीन घंटे पढ़ रहे हो आपसे थोड़ा चलो इंजॉय कर लेते हैं, वो इंजॉय इतना ज्यादा हो जाएगा कि टाइम का पता नहीं चलेगा। अब चार घंटे पढ़ लिए उसके बाद सोचो अरे 20 मिनट तो सॉन्ग सुनना है हमको, 20 मिनट आप सॉन्ग सुनने के चक्कर में वो सॉन्ग कब दो घंटे में कन्वर्ट हो गया पता नहीं, और फिर माहौल ऐसा सेट हो गया मूवी देखने का प्लान हो गया फिर वो और चला गया, फिर वो पूरा दिन खराब हो गया। और इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, कोई बच्चा कुछ नहीं पढ़ा पूरी साल, अगर वो दिसंबर जनवरी फरवरी पढ़ गया मतलब दिसंबर जनवरी तो वो खेल गया, और कोई बच्चा खूब पढ़ा पूरी साल और मटरगश्ती कर रहा जनवरी दिसंबर जनवरी में तो कुछ नहीं कर सकता। दो महीने खेला, एक दिसंबर का एक जनवरी का, इन दो महीने में बहुत है। बहुत पढ़ने वाले होते हैं वो सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, और वो इस महीने में लापरवाही करते हैं और इस महीने में लापरवाही करने से बहुत ज़्यादा लॉस उनको भुगतना पड़ता है, वो जब पता चलता है जब रिजल्ट आता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जून जुलाई में एडमिशन लिए और पढ़ते पढ़ते एक्सपोनेंशियली ग्राफ गया, ऐसे ग्राफ गया ऐसे, और बहुत ज़्यादा पढ़े थे ये, और ये आ गया दिसंबर और इसके बाद ग्राफ क्या हो रहा है डिक्रीज। यहाँ पर ऐसे होते हैं जो जोश में यहाँ बहुत पढ़े बहुत पढ़े बहुत पढ़े बहुत पढ़े, फिर एनर्जी कम हुई कम हुई कम हुई, और यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन, उसके बाद लग रहा बहुत कुछ पढ़ चुके चलो आराम कर लेते, और यहाँ के बाद आराम करना स्टार्ट, जैसे ही आराम करना स्टार्ट हुआ तो यहाँ ऐसे होता है। तो ऐसे दो की बात हो गई, ऐसे थ्री की बात करनी है, ऐसे किसकी बात करनी है आपका फोर की बात करनी है। तो ये और आपको तो एडवांटेज है इस टाइम पे हो रहा है, तो आपको माइंड में ज्यादा होल्ड रहेगा, माइंड में ज्यादा होल्ड रहेगा तो चीजें बनाने में क्या रहेगी आपको आसान है। जिनका जून जुलाई में हुआ है वो उसको रिवीजन टाइप में करेंगे, और घर पे बहुत कम पढ़ाई होती है, मैं बता दूं क्लास में आप बैठे हो सबके बीच में, एक पढ़ाई के लिए इन्वायरमेंट चाहिए, इन्वायरमेंट में पढ़ाई होती है, बिना अकेले आप घर पे पढ़ना चाहोगे तो कभी पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं बता दूं आपको ये बात। तो यहाँ इन्वायरमेंट है तो चीजें ज्यादा समझ में आई आपको। तो ऐसे टू नॉन टचिंग की बात हो गई, ऐसे थ्री नॉन टचिंग की भी बात करते हैं क्या है। अब देखो जब तक हम थ्री नॉन टचिंग की बात करें अब तो एक खत्म नहीं हो जाता, तो L1 से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो L1 L2 L3 ये क्या तीनों लूप आपस में टच कर रहे हैं, क्या इस पी के फोड़पा तो टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो पहला क्या हो गया आपका L1 L2 L3, फिर देखो नेक्स्ट L1 L2 L4 L1 L2 L4 ये तीनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, पर L4 जो है पी के फोड़पा तो टच कर गया है। आपको तो उन सारे लूप पर सम करना है जो पी के फोड़पा तो टच नहीं करते हैं, L4 टच कर गया तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका जीरो। नेक्स्ट देखो L1 L3 L4 ये तीनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, पर L4 टच कर गया तो ये कितना हो जाएगा भाई जीरो। L1 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, L1 की पॉसिबिलिटी हो गई है दी एंड। अब नंबर L2 का, L2 L1 L3 ये तीनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, मैं पहले लिख चुका हूँ L1 L2 L3। फिर देखो L2 L3 L4 ये तीनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, पर L4 जो है पी के फोड़पाथ टच कर गया है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपका जीरो जीरो। ऐसे और कोई पॉसिबिलिटी देखोगे, बार बार सब पी के फोड़पाथ टच करेंगे ना, अरे सब टच करेंगे ना, तो आगे सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी भाई जीरो। फिर देखो ऐसे चार लूप देखो जो आपस में भी टच नहीं करें और पी के फोड़पाथ को भी टच नहीं करें, L4 जो है बार बार पी के फोड़पाथ टच कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका जीरो। अब मुझे बताओ क्या डेल के वाले फॉर्मूले में आपको L4 दिखाई दिया, क्या डेल के वाले फॉर्मूले में आपको L4 दिखाई दिया, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्यों डेल के जो है पी के फोड़पाथ के साथ कंडीशन है, आपको उन सारे लूप पर सम करना है जो पी के फोड़पाथ और टच नहीं करते हैं, L4 जो है पी के फोड़पाथ और टच कर रहा था, इसलिए पूरे में क्या नहीं दिखा आपको L4 नहीं दिखा। किसी को डेल के में कोई परेशानी, किसी को लग रहा है इसमें कुछ ऐड करना है और किसी को लग रहा है कुछ बाहर करना है इसमें से, किसी को भी कैसा भी कौन सा कौन सा माइनस प्लस पर यहाँ माइनस आएगा, एक के बाद एक साइन क्या करेगा आपका चेंज करेगा, पर माइनस प्लस पर माइनस और फिर नेक्स्ट क्या होगा प्लस पर माइनस, एक के बाद एक साइन क्या करेगा चेंज करेगा। अब देखो ये हो गया डेल के, अब देखो अब क्या कैलकुलेट करना है आपको डेल, और मैं इसी के डाउन में कर रहा हूँ जैसे समझ पीछे दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा भाई डेल, क्यों यही लिखना पड़ेगा, उससे क्या होगा डेल के और डेल का आपस में क्या कर दूंगा कंपैरिजन, जिससे आपको चीजें ज्यादा क्या होंगी आपको समझ में आएंगी। तो हो गया वन माइनस, ये वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप, वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप प्लस
sum of product of two non-touching loop. फिर देखो माइनस माइनस के बाद प्लस, फिर क्या आएगा माइनस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, जरूरत पड़ी तो चार का भी यूज करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, और जरूरत पड़ी तो चार का भी यूज करेंगे, बस जरूरत पड़ी तो, नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कोई पीके फोर पाथ के साथ कंडीशन नहीं है, डेल के जो था पीके फोर पाथ के साथ कंडीशन था, डेल के में सिर्फ उन लूप का सम करना था जो पीके फोर पाथ को टच नहीं करते हैं, डेल में ऐसा कोई लेना देना नहीं है, चाहे पीके फोर पाथ टच करे नहीं करे कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या था, वन माइनस सम ऑफ लूप, यहाँ पर भी वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी बिचर नॉट टच पीके फोर पाथ, जो कि इसमें नहीं, जितने भी लूप है उन सबका सम कर दो, चाहे पीके फोर पाथ को टच करें चाहे नहीं करें। पहले क्या था, केवल उनका सम करना था जो पीके फोर पाथ को टच नहीं करते हैं। अब देखो क्या L1 L2 जितने भी लूप है, चार लूप है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, पहले वाले में L4 जीरो हो गया था, क्यों L4 जीरो हो गया था, वो इसलिए जीरो हो गया था क्यों, डेल के वाले में उन सारे लूप का सम करना था जो पीके को टच नहीं करते हैं, यह पहले पीके को टच कर रहा था इसलिए जीरो था, और यहां पर क्या किया आपका एग्जिस्ट किया है, यहां पर क्या किया आपका एग्जिस्ट किया है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, और यहां पर भी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन है विच इज नॉट टच आपका पीके फोर पाथ। अब देखो बस यहां दो लूप आपस में टच नहीं करना चाहिए, चाहे पीके फोर पाथ को टच करे चाहे नहीं करे उससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि पहले क्या था वो दोनों लूप आपस में भी टच नहीं करना चाहिए और पीके फोर पाथ को भी क्या नहीं करना चाहिए आपका टच नहीं करना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है बस वो दो लूप आपस में टच नहीं करें, चाहे पीके फोर पर टच, वो जो दो लूप आपस में टच नहीं करें बस, और पीके फोर पर टच करें नहीं करें उससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि पहले क्या था आपस में भी टच नहीं करना चाहिए, और किसको टच नहीं करना चाहिए पीके फोर पर, स्टार्टिंग L1 से देखो प्लस, देखो L1 L2 ये दोनों लूप आपस में टच कर रहे हैं क्या, नहीं, L1 L2 L1 L2 प्लस L1 L3 ये दोनों लूप आपस में टच कर रहे हैं क्या, नहीं, L1 L3 देखो L1 L4 क्या टच कर रहे हैं क्या भाई, नहीं कर रहे, L1 L4 पहले L1 L4 की वैल्यू कितनी थी भाई जीरो, क्यों जीरो थी, वो इसलिए जीरो थी क्यों, डेल के वाले फॉर्मूले में आपको उन सारे लूप पर सम करना था जो L4 को टच नहीं करते हैं, पहले L4 वाला टच कर रहा था इसलिए जीरो था, और यहां पर क्या किया आपका एग्जिस्ट, L1 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, L1 की सारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई दी एंड। अब नंबर किसका है L2 का, देखो L2 L1 ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, पर पहले लिख चुका हूं L1 L2, L2 L3 ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट क्या होगा भाई L2 into L3, पढ़ दो। अब तो मैंने बिल्कुल बंद ही कर रखा है माइक, देखो बिल्कुल बंद कर रखा है माइक चाय तो भेज आ गई क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे क्लास में भेज दो और क्या है, कुछ काम है क्या, एक सेकंड आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, चाय आ गई गर्म है ठंडी, अरे जल्दी दे दे।
अरे आपको तो बगैर माइक ही पढ़ा देंगे यार, अच्छा एक माइक हटा देता हूँ ऑफलाइन वाला, आपको तो बगैर माइक ही पढ़ा दूंगा, इतने कम अच्छा। देखो बन गया यहां तक सबका। देखो अभी तक हमने देखा, यहां तक देखा टू नॉन टचिंग का चल रहा था, पहला देखा L1 L2 L1 L2, फिर अपन L2 L3 तक आ गए, L2 L3, फिर देखो L2 L4, ये दोनों लूप आपस में क्या नहीं कर रहे हैं भाई, आपका टच नहीं कर रहे हैं, आपस में टच नहीं कर रहे हैं, और पी के फोर पास से हमको लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो गया भाई, L2 into क्या हो गया भाई, L4, जो कि पहले L2 into L4 जीरो था। क्यों जीरो था, क्योंकि पहले वाले में ये आपका पी के फोर पाथ को टच कर रहा था, इसलिए L2 L4 जीरो था। और यहां पे क्या किया भाई, आपका एग्जिस्ट किया। देखो अब L2 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो L2 हो गया दी एंड। अब नंबर किसका होगा भाई, L3 का। देखो L3 L1, ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, पहले लिख चुका हूं L1 L3, फिर देखो L3 L2, ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, पर पहले लिख चुका हूं L2 L3, फिर देखो L3 L4, ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट जो होगा वो आएगा आपका L2 into क्या आएगा, आपका L3 into क्या आएगा भाई, L4, L2 into आपका L4, पहले L2 into L4 जीरो था, क्योंकि क्यों जीरो था, क्योंकि बार बार वहां L4 को पी के फोर पाथ को क्या कर रहा था भाई, आपका टच कर रहा था। अब L3 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, L3 हो गया दिया, नंबर किसका है, L4 का। देखो L1 L4 पहले लिख चुका हूं, L4 L2 पहले लिख चुका हूं, और L3 L4 पहले लिख चुका हूं। अब 2 की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, अब किसकी पॉसिबिलिटी देखनी है भाई, अब किसकी पॉसिबिलिटी देखनी है भाई, 3 की। अब देखो L1 से स्टार्ट करते हैं, L1 L2 L3, अब ऐसे तीन लूप देखने हैं जो आपस में टच नहीं करे। पहले क्या था, वो आपस में भी टच नहीं करना चाहिए, किसको टच नहीं करना चाहिए, पी के फोर्थ पाथ को। अब पी के फोर्थ पाथ से कोई लेना देना नहीं है, बस वो तीन लूप आपस में क्या नहीं करना चाहिए, आपका टच नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग L1 से, L1 L2 L3, ये तीनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, तो ये हो गया L1 L2 L3। देखो नेक्स्ट देखते हैं L1 L2 L4, ये तीनों लूप भी आपस में क्या नहीं कर रहे हैं भाई, आपका टच नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया L1 L2 L4, पहले L1 L2 L4 जीरो था, क्यों जीरो था, क्योंकि L4 जो है बार बार उस पी के फोर पाथ तो क्या कर रहा था भाई, आपका टच कर रहा था। नेक्स्ट देखो L1 L2 L1 L3 L4, ये तीनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, L1 L3 L4, पहले ये जीरो था जो L4 की वजह से। L1 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, L1 दी एंड, नंबर किसका है, L2 का। देखो L2 L1 L3 पहले लिख चुका हूं, L2 L3 L4, तो नेक्स्ट जो होगा वो L2 L3 L4, तो नेक्स्ट हो गया L2 L3 L4, पहले L2 L3 L4 जीरो था, क्यों, क्योंकि वहां बार बार पी के फोर पाथ तो क्या कर रहा था भाई, टच, L2 L3 L4, और L2 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, L2 क्या हो गया भाई, दी एंड। अब नंबर किसका है, L3 का, नंबर है L3 का। देखो L3 L1 L4 मतलब L1 L3 L4 लिख चुका हूं ना, फिर देखो L3 L2 L4 L2 L3 L4 L2 L3 L4 L2 L3 L4 लिख चुका हूं। इसके बाद देखोगे तो इनमें से बार बार क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। अब चार लूप ऐसे देखने जो आपस में टच नहीं करें, जो कि पहले क्या था, वो आपस में भी टच नहीं करना चाहिए, और पी के फोर्थ पाथ को क्या नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। अब तो बस आपस में, स्टार्टिंग L1 से, L1 L2 L3 L4, ये चारों लूप आपस में, जो कि पहले क्या था, L4 की वजह से ये क्या था, जीरो। अब देखो भाई जहां जहां डेल है वहां L4 जीरो पुट कर दो, तो दोनों के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, दोनों के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, सेम। तो डेल के जो है वो नंबर ऑफ फोर्ड पाथ के साथ कंडीशन है, इसलिए उसके फॉर्मूले में नंबर ऑफ फोर्ड पाथ के साथ कंडीशन दिखाई दे रहा है, जबकि डेल जो है नंबर ऑफ फोर्ड पाथ के साथ कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए उसके फॉर्मूले में नंबर ऑफ फोर्ड पाथ के साथ कोई कंडीशन आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको डेल के पता है, डेल पता है, इसमें थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, P1 की वैल्यू कितने के बराबर थी, पी के डेल 1, ये पूरा की पूरा डेल 1 है ना, पूरा की पूरा डेल 1 है ना, तो इसमें पुट कर दूंगा, और ये पूरा की पूरा क्या है,
डील इसमें पुट कर दूंगा, थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा इसलिए वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा, आप अपने आप क्या कर लेना, पुट कर लेना। समझ में आया? समझ में आया? बनाओ। लूप की डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। लूप की डायरेक्शन, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, जहां से स्टार्ट किया दोबारा लौट कर वही आना चाहिए। ये नेटवर्क नहीं है क्लॉक वाइज को पॉजिटिव एंटी क्लॉक, ऐसे कुछ नहीं है। डायरेक्शन होनी चाहिए जहां से स्टार्ट किया दोबारा वहीं पर। ये अपने मन से लेना है, पेपर वाला देगा? कौन देगा? अपने मन से या पेपर वाला? पेपर वाला दो। और पेपर वाला देगा तो सबका आंसर एक समान ही आएगा, तो अपने मन से थोड़ी लोगे फिर आप। देख लो दोनों में बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, उसके बाद अपन गेट की स्टार्ट करते प्रॉब्लम। चलो आप शिफ्ट कर लो जो करना चाहते हो एक बार। चलो ब्रेक दे दो फिर मैं इनको, ठीक है? तो फिर मैं ब्रेक के बाद स्टार्ट करूँ। कितनी देर चाहिए बताओ? आप बताओ, आप सर्वोपरि हो जो है आप। अरे बताओ, 10-15 मिनट। चलो 12:20 हो रहे हैं, ठीक है 25 हो रहे हैं। अरे वो 15 मिनट का मांगे थे ना, वो लंच ब्रेक में अलग से दे दूंगा। लंच ब्रेक कितने बजे देना है? अभी खा लो खाना। कितनी देर चाहिए बताओ? ठीक है चलो खाना खाया ना एक साथ।